इंदौर खरगोन रोड पर एमपीईबी द्वारा मेंटेनेंस कार्य किया जा रहा था, उसी दौरान स्ट्रीट लाइट का मेन खुला वायर सड़क पर गिर गया, जिसके आसपास की दुकानदारों में हड़कंप मच गया। वायर में स्पार्किंग होते देख दुकानदार दुकान छोड़कर भागने लगे, तो वही राह चलते लोग भी अपनी जान बचाकर भागे। यहाँ निश्चित ही कोई बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि यह कसरावत का सबसे व्यस्ततम मार्ग है। उक्त घटना की जानकारी देने के लिए एमपीबी पर लगातार फोन भी लगाया गया, लेकिन किसी ने रिसीव नहीं किया। कंपनी द्वारा बिना बताए मेंटेनेंस के नाम पर पावर कट किया जा रहा है, जिससे दुकानदारों को भी काफी नुकसान हो रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक से चलने वाली फोटोकॉपी मशीन, फोटो स्टूडियो आदि कार्य पूरी तरह से बंद हो जाता है। लेकिन एमपीबी के अधिकारियों को इससे कोई लेना देना नहीं है, अधिकारी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपने? मेरा नाम मोहम्मद मूसा। क्या हुआ अभी सामने? बस ये तार टूटा और क्या खराब निकला, तार फाल्ट हुआ भागे यहाँ से एकदम से। टूट के नीचे गिरा क्या? टूट के नीचे गिरा। कोई लोग काम कर रहे थे क्या यहाँ पे? हाँ, कर रहे थे, झाड़ी वाड़ी भी काट रहे थे। भैया ये सबसे व्यस्त समय पर आप बैठे, क्या कारण है? ये लापरवाही से हम लोगों को उठाना पड़ा घाटा। ये क्या है कि उनके मन मुताबिक लाइट काटते हैं, उसका कोई शेड्यूल रखना चाहिए। आपको मेंटेनेंस करना है तो सुबह टाइम में करो या शाम के समय में करो। ये 10 से 5 के बीच में करते हैं, जब आपकी समय रहता है काम की व्यस्तता रहती है तो लाइट काट देते हैं। आपने कुछ शिकायत करी कभी पहले? शिकायत क्या हो, तो फोन उठाने को तैयार है, उसके पास वो डेड लाइन वाला नंबर रहता है, बात करके रखते हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ एमपीबी ऑफिस में। यहाँ पर मैं कुछ अधिकारियों से बात करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर मुझसे बात करने के लिए कोई भी अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है। अभी कुछ समय पहले की घटना है कि कसरावत के सबसे व्यस्त मार्ग पर मेंटेनेंस के दौरान एक वायर, चालू वायर टूट कर गिरा था, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया और तेजी से दुकान छोड़कर भागे, और उसी मार्ग से मोटरसाइकिल और वाहन भी निकलते हैं। निश्चित ही यदि ये उन पर गिरता तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इसी घटना की जानकारी देने के लिए मैंने लगातार एमपीबी में फ़ोन लगाया, लेकिन इनकी जो सर्विस है, जहाँ जो टोल फ्री नंबर होता है, उस नंबर पर भी मैं लगाता रहा, लेकिन यहाँ से किसी भी तरीके का कोई जवाब नहीं दिया गया, और अभी भी यहाँ पर कोई अधिकारी बात करने के लिए मौजूद नहीं है। हज़ारों रुपए बिजली का बिल वसूल करने वाली जो विभाग है, उनके जो कर्मचारी हैं, उन्हें भी हमने देखा कि वो बिना सुरक्षा उपकरणों के ऊंचे तारों पर चढ़कर मेंटेनेंस कार्य कर रहे थे। निश्चित ही जरा सी चूक कोई बड़ी घटना को बड़ी घटना हो सकती थी। कैमरामैन अबराग पठान के साथ आकिल खान, SW न्यूज़, कसरावत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।